सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो बीस बिसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने बीस बिसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुरु को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस सयानप लया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड भागी पाइए सहस सयानप लया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड भागी पाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुगो अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार अजमत बख्शिश टलदी शाम असी सत्संगत दा समां पल माण रहे हैं वडभागी हाँ गुरबाणी व्याख्यान विच गौड़ी सुखमनी गुरु अर्जन साहिब जी का यह पावन उपदेश सानू विचारण वास्ते प्राप्त है 18 नंबर अष्टपदी विचार रहे हाँ इस पावन अष्टपदी का 3 नंबर पदा आप जी ने सरवन किया है बचन जिवें इहदे सलोक तो ही शुरुआत हुई सी सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाओ सतगुरु सतगुरु की महिमा सतगुरु का जो रुतबा मरातबा है एक जग्यासू लई एक सच दे मार्ग दे राहगीर लई गुरु बाबा जी उन्हों साडे सामने बखान करते हैं देखो एक चीज़ वड्डी है तो उन्हों वड्या कह दिता जाए भैया वड्डी है तो उन्हों वड्डा कह दियो बाबा जी कहिंदे वड्डी है तो कई बार लोग कहिंदे चल है ना फिर पहाड़ वड्डा आ तो कहण दी की लोड़ है वड्डा है बट ठीक है बाबा जी कहिंदे नहीं कुछ चीज़ां नू वाक्य च लिटरली तौर पर कहना पैंदा आ असीं शब्द भी बाणी च पढ़दे हाँ सतगुर वड्डा करसाला ही है क्यों महाराज जो पहाड़ है तो है पहाड़ वड्डा है मेरे कहन नाल की ज़्यादा फर्क पै जाएगा साहब कहिंदे हाँ यही फर्क पएगा सतगुर वड्डा करसाला ही है क्यों जिस विच वड्डियां वड्याईयां तैनू एहसास ही नहीं इसनू अज दे मॉडर्न परस्पैक्टिव विच देखिए इस तरह जाणो इहदे च ना बीस बिसवे गुर का मन मान है बड़े मैटाफोरिक वे नाल गल की गई है दो पल मेरे नाल रहो क्योंकि कई बार हुंदा बीते कल भी कोई सज्जन कह रहे सी भाई साहब गल बहुत गहरी हो जाती माफ़ी चाहागा मैं तो बाणी का विद्यार्थी हाँ तुहाडे वर गई हाँ यह है कि साडी वकैबलरी जे पकड़ च नहीं होएगी सानू क्योंकि गुरबाणी सारी गलौसरी ते है हाउ फेमिलियर आर वी विद दिस गुरबाणी गलौसरी दैट दैट इज एक्चुअली दैट कैन हैल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस बाणी
इसे करके आया कई बार सॉरी फॉर दैट, मैं माफ़ी मांगा। एक चीज़ में बड़ा तरजीह इस तरह कहा जाता हो, पढ़िया क्या होगा, कला पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, पढ़द्या दोहराद्या दोहराद्या वोकैबलरी नाल फेमिलियर हो जाओगे। ये पहला स्टैप आ, जिवें असी होर सिंपल करना हो ना, जिहड़ी पाठ नाल साडी रिलेशनशिप है, गाहे बगाहे असी बात करते हैं, इहनूं थोड़ा ध्यान नाल देखना, इहदे कुछ स्टैप्स ने फॉलो करने पैणगे। सब तो पहला स्टैप जिहड़ा हैगा वह हैगा अखर बोध। जिहड़ा अखर बोध है, अजे मैनूं यही नहीं पता कि यह जिहड़ी अखरां दी बनतर आ सारे दी सारी ये किस तरीके नाल आ, मैं बिल्कुल इलिटरेट हाँ। हुंदा मेरे बड़े प्यारे एक मित्र हैगे ने, बाय प्रोफेशन डॉक्टर ने, तो उदा अपना ही परिवार का प्रोग्राम इत्थे रैक्सीडेल ते बोर्ड ते प्रोग्राम लिखे होंदे ना सारे, ते मैनूं कहिंदे कहिंदे वीर जी मेरी हैल्प करियो, साडा प्रोग्राम किहड़े हाल च आ। मैं डॉक्टर साहब जो कर रहे हो मजाक कर रहे हो, मतलब इस तरीके नाल सामने ते लिखिया। वह कहिंदे नहीं नहीं मैं पढ़िया। दैन आई रियलाइज्ड ही सेइंग राइट, क्यों गुरमुखी अखर लिखे ने, इसनों आइडिया ही नहीं, गुरमुखी अखर सामने लिखे, बाय प्रोफेशन इज अ डॉक्टर। अखर बोध है पहला पड़ा है, उस तो बाद वाक बोध। अखर कई बार होंदा साढ़े जड़ा, सॉरी फॉर दैट, पंजाबी स्कूलिंग वास्ते पंजाबी स्कूल जोड़े चलते साढ़े इतने, उन्हें कुछ समस्या रही कि असी अखर बोध के अजे फसे रहने, वाक बोध तक लैके नहीं जाते। एक बच्चा 4 साल हो गया पंजाबी स्कूल जाते, एक 8 साल हो गए ने, दोनों का लैवल यही होएगा कि उन्होंने कला कला लैटर ही थोड़ा बहुत रिकगनाइज होंदा आ, वावल्स से कॉन्सोनेंट कट्ठे पा के किवें साउंड करना ये बारे कोई पता नहीं गा। वाक बोध ये दूसरा पड़ा है। फिर तो तीसरा पड़ा आता है, वो पता की है, पाठ बोध। पाठ बोध जे मैं बाणी पढ़द्या पाठ करद्या मैं सह चढ़ रहा है, मैं जो पाठ बोध नहीं आता। बाणी इस तरीके ना लिखी गई है, मेरी ब्रीथिंग बिल्कुल नैचुरल चलनी चाहिए है, देन आई एम एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, दैट मीन माई पार्ट रिदम इज ठीक, वो जी है प्रॉपर हैगी है इस रूप के। सब तो वड्डी निशानी ये, फिर विश्राम अपने आप ठीक हो जाता जे पाठ बोध हो जाए। एक रिदम विच पाठ करो, तुम सुखमनी साहब जेडे गुरमुख सज्जन लगातारता नाल करते ने, एंड जोटियाँ तुम देखो ए लय ताल च तुरै लगा जाता है बंदा, जे कि प्रॉपर पाठ हो रहा होए उत्थे लोड़ ही नहीं किसी। हालांकि रागबद्ध रचना रागां च गाउणी वह सारी प्रेरणा है, पर जो पढ़ना है इसनों जिस अपने तौर पर मैं बाणी दे आगोश के कोल बैठ के इस तरीके बाणी दे आगोश पढ़ रहा वहाँ, तो अपने आप मेरी मेरा रिश्ता है बाणी दे नाल एक पाठ बोध। फिर अगला पड़ा आउंदा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग दे विच कुदरत ने इहनूं क्यूरियस बनाया है, ये जानने का चाहवान हुंदा है। फिर पड़ा शुरू हुंदा अगला, उत्थों असीं कहिंदे अर्थबोध, ये अगला पड़ा है। ये अर्थबोध जे मैं ग्लोसरी लगातार मेरे अंदर वस रही है तो किते किते मेरे मन च ख्याल आएगा, वट डज इट मीन, इहदा मतलब की बनदा आ। इत्थों तुसीं जाणो कि तुहाडे अंदर हुण एक नवां परपेक बाणी नाल रिश्ता जिहड़ा है शुरू होना शुरू हो गया है। सॉरी फॉर दैट, मैं एक छोटी जी बेनती करके बचन से वापस आ जाना। मोस्टली साडा जिहड़ा सारा ये हुंदा आ पैसिव हुंदा आ, ये बंदा कीर्तन कर रहे या पर उस विच बोल रहा, संगत उन्हों परसीव कर रही है, तो दैट्स गुड एक ठीक आ। पर साढ़े घर च एक गोस्ट का कॉन्सैप्ट भी हैगा, इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट कई वरिया तो मुगी तो आई नहीं मुड़ के, वो रीज़न भी बहुत सारे ने। पहले लैवल तो यह हैगा कि सानू इंट्रैक्शन करनी नहीं आती, माफ़ी चाहवा। घर बच्चा सवाल पूछता मापा लड़ पैंदा भी तू पूछे ही क्यों, दस हिम्मत किवें हुई तेरी गल पूछण दी, की करोगे तुसी? मेरा सवाल है, सवाल नहीं गा मेरा हंकार भी नाल है, मेरा सवाल है तो जवाब भी मेरे वर्गा ही होए मैं तां सैटिस्फाइड होवांगा, फिर इंट्रैक्शन नहीं होएगी। मैनू वरिया के वरे हो गए साल विच इस शहर विच रहिंदिया, ते when I came very first time here we did a TV program, and that time people were calling and asking questions, te main dekhya questions de vich ikko ji repetition hai var var, te do char bande ne main sajjan nu puchya, main kya maafi chahanga, meri galti pehle mainu maaf kar deya je, is sawal layi sawal puch deyo ki sikhan layi sawal puch deyo, जे तो बस यही सवाल पूछ के यही चेक करना है, इनू देखते हैं कि कहता, इनू देखते हैं कि कहता,
बंदा बंदा फिर दानिशमंद स्कॉलर चेक करता फिर करी जाओ चेक सारी उम्र करी जाओ की बेनीफिट होगा तेन इन्ना आ जाएगा कि हाँ फलाने ने आख्या फलाने ने आख्या फलाने बट वाई आर यू आस्किंग इट ये अंदर जी प्रवृत्ति उस रूप में आए इंट्रैक्शन उदो शुरू होएगी जो असी लर्नर के तौर पर सिख के तौर पर सीखने के तौर पर बात शुरू करांगे। खैर जो ये मौजूदा साडा तरीका है ये भी असी सत्संगत करते हैं गुरु के हजूर बैठते हैं भावनी प्रधान है इतने भावना नाल आने मैं शब्द अगे जाके बात करांगा अर्थबोध है अर्थबोध तो बाद जिहड़ा अगला पड़ा आना है वो आना भाव बोध तुसी किसी भावनी नाल आए हो तो जो तुसी कीर्तन सुन रहे हो बचन सुन रहे हो बंदा किसी खास मन की जद्दोजहद आया आके हुक्मनामा पढ़िया इंज लगा जिमें मेरे ही सवाल का जवाब गुरु साहब ने दे दिता भाव ये भावनी प्रधान है इसनों अजक मतलब इस पैथी की दुनिया च बड़ा मनिया जाता इस तरीके ये साढ़े तो कुदरत सारा इस तरह निजाम चलाउंदी है मतलब आप देखो पंछी परिंदे जानवर कीट मकोड़ सब कोई कुदरत इन्हों इनर इंस्टिंक्ट दिता है सानू भी दिता असी ज़्यादातर जो सा इंटलैक्ट आपां बाणी च बचन पढ़िए ना महाराज बयान करते कि पौन पाणी अग्नि का मेल होया कि चंचल चपल बुद्ध का खेल उड़ा चंचल चपल बुद्ध का खेल आ इतना उलझा लेंदा नौंदर वाजे दसवां द्वार बुझरे ज्ञानी यह विचार वो यह सब ज्ञान इंद्रिय ते कर्म इंद्रियां दी ऐसी परिपेखता कि जिहड़ा अंदर ही पिया आ कुछ सूहज उही लॉस्ट हो जाता चीज़ां परस्पेक्टिव समझ ही नहीं आउंदियां बनी हुई धारा एक बायस बना लिया थॉट डिवेलप कर लिया दो साल चार साल पांच साल दस साल लंघे उस थॉट नूं मैं ढोल की तरह कुटी जा रहा मैं पता ही नहीं कि मेरे अंदर मैं एक्चुअली इस सारे नाल मैं मिलेगा कि इसमें मैं किस रूप में नवी शेप देनी चाहिए है तब्दीली ता ही है कि सीखागा तो उस रूप में। खैर टूक मात्र जी बेनती कर लगा सीगा मैं मैं याद है कैलीफोर्निया से काफ़ी सालों की गल आ समहाओ जपजी साहब की कह लगे शुरुआती पंक्तियां बाणी व्याख्या कर दौ पढ़ते हैं कई बार पकड़ च नहीं आती चीज़ तो मैं क्या चलो ठीक आ सत्त दिन का दीवान से तो मैं एक दिन वैसे क्या मैं क्या वैसे तो नहीं इस तरह होया कद पर सॉरी हाँ ना अज मेरे को माफ कर दौ पर असी पढ़ रहे हैं किव सचियारा हुई है किव कूड़ा टुटै पाल मतलब डेफिनेटली उम्र लंघ गई हैं ये शब्द पंक्ति पढ़ते हैं बस इन्नी की बेनती है कि कोई सज्जन मैनू पाल दे अर्थ दस दे सिर्फ अर्थ अर्थबोध है ना पूरा हॉल भरिया सीगा मैं नहीं कहिंदा सबनों पता नहीं होना असी हैजीटेट भी करते हैं कई बार भी कादे लई गलत ना हो जाए कितने किसी रूप दे कोई आंसर नहीं दिता अर्थबोध एटलीस्ट उम्र गुजर की पढ़ते हैं एहसास तो होए ये बाबा जी कह के रहे मतलब ये ग्लोसरी के जी फैमिलियर नहीं होवोंगे बात पकड़ च नहीं आएगी इस करके जो बीते कल मैं बात कर रहा सीगा सज्जन कह रहे थे गहरा गहरा साढ़े वास्ते गहरा ही है जिस बंदे ने हुण सपोज आप सारे भी खेती किसानी नाल जुड़े हुए आए हो पंजाब दे विच्चों मैं भी उत्थों किसानी करदा आया जमीन दोष पानी जिहड़ा सीगा मिट्टी दे विच्चों थल्लों ग्राउंड चो पानी कढ के बंबियां चलदियां सी जिहड़ी ट्यूबवैल्स कहिंदे आ जिन्हां नूं असीं ते लगातार पानी थल्ले जांदा सीगा तो साढ़े इलाके च एकदम पानी थल्ले गया तो खूहियां जिहड़ियां सीगियां चार पाँच फुट तो सीधी 20 फुट ते हो गई हुण 5 फुट कल तक वेंदे सी कि 20 फुट बड़ा डूंगा लगे ओ माई गुडनैस इन्ना गहरा इन्ना डूंगा ओ हो मतलब थोड़ा अगे होने की बजाय थोड़ा होर पिछे हट के फिर देखिए तो किन्ना डूंगा हैगा इस रूप दे विच। खैर स्कूल साडा थोड़ा रूरल एरिया सीगा हाई स्कूल उत्थे जाना कीता वो थोड़ा होर दरिया तो दूर सीगा इलाका कोई 4-5 किलोमीटर उत्थे समहाओ जो दिन स्कूले गए पहले दिन बाहर बंबी तो पानी पीण वास्ते गए जो बंबी से पानी पीण वास्ते गए तो खूह 70 फुट डूंगा माइंड ब्लोइंग विच बंदा वड़िया वड़ के फिक्स करके वह सरिए फड़ के चढ़ के आ रहा असी बाहर खड़े लत्तां कंबी जाण भी आ की बन गया इस रूप दे विच क्यों वह कह भी कोई गहरा कहिंदा थोड़ा अगे जाओ 100 फुट है गहरे तो गहरा मतलब जिवें तुसी गहरे उतरदे हो महाराज जी दे उपदेश संदेश ते ए इतने गहरे ने जितना गहरा तुहाडा अपना आपा है मन इतने गहरे ने जितना गहरा निरंकार है क्योंकि वो बचन ने वो बोलने सारे
सो इसलिए हाँ जे असी नाल तुरन की कोशिश करांगे एहसासांगे पकड़न की एफर्ट पावांगे सुरत करके चीज़ा ग्रिप भी होणगीआं। हुण आ जी इहदे उत्ते बीस बिसवे गुरु का मन मान है बिसवे ते विसवे कई बार ये ट्रांसलेशन करन लग्या इन्हां दोनों दे विच मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते असी भुलेखा खा जाने मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तुसी विसवे शब्द पढ़ते हो विसवे चस्या घड़िया पैरां थित्ती वारी माँ होवा समय दी मैं पाइश वास्ते ये शब्द है। अज की तारीख दे विच साडे सामने कलॉक लगी है घड़ी लगी है वैसटर्न वर्ल्ड दे विच ये जिहड़ी बनाई गई समय की मपाइश 24 आवर्स नूं वो कैलकुलेट करके तो सब पासे नूं चलाउण वास्ते इहदे च समय की सब तो छोटी इकाई जिहड़ी है वह हैगी सैकेंड। जे असी अपने ट्रडिशनल वे नाल आ जाइए तो साढ़े भी ट्रडिशनल घड़िया होंदिया सी प्रॉपर वो घड़िया जिवें अजकल तुसीं बच्चों वास्ते सैंड कलॉक देखते हो ना प्ले करन वाले पाइया ये सारिया घड़िया इस तरह होंगे पानी वाली भी होंगी सी सैंड वाली भी होंदिया सीगियां वो पांडुलम की तरह इस तरीके बदल जांदियां सी इस रूप दे विच घड़े तो घड़ियाल भी होंगे सी नाल लगे हुए ये सारी पूरा कुछ सीगा। अंग्रेज़ों ने लिटरली तौर पर मतलब ये तो तुसीं जदों पूरा पढ़ोगे फिर एहसास होगा भी की कुछ नहीं किया जिहड़े कारीगर सीगे जिहड़े सब चीज़ां जानदे सी अंगूठे वढ़ दित्ते उन्हां दे हथ वढ़ दित्ते क्योंकि यूरोप का सारा समान लैके आना सी पूरे की पूरी वाइप आउट किया सब कुछ उदा ते मतलब साड़ी ते पूरी एक जनरेशन ही मारती ना उन्होंने जदों जो जंगा हुई उस तो बाद जदों चेलियां वाली जंग हुई है तो सरदार शेर सिंह अटारी वाले नाल समझौता की होया सी तो उन्हें डिलीवर किवें किया गया बराबरी तो जंग छुट्टी सी बराबरी तो समझौता होया ठीक है आपां जिहड़ा हैगा बराबर बैठ के हक्कां हकूकां की गल करके सारा कुछ करांगे जिवें ओह चीज़ होई उत्थों बिठाया सरदार साहब ऑल द वे यूपी लिजा के तहखाने बंद करता। ये तो 49 तो बाद जल्दी 57 हो गया जदों 57 हो गया तो उदों उन्हें एहसास किया भी जिन्होंने असी पुरबियां नूं लिया के इत्थे सोच रहे सी हुकूमत करांगे इन्हां दे कोल एथिक्स ही नहीं कोई हैगे ये तो किसी डर के सदका साडे कंट्रोल च ने जदों मड़ जे बाहर ने वाइल्ड हो जाते बच्चे साड़ते जुल्म किया जिन्हों पहली फ्रीडम की फाइट कही ना भी उस रूप के गदर सीगा तवारीख पढ़ के तो देखो सारी प्रिंसीपल गंडा सिंह पढ़ो कभी एहसास होएगा भी होया कि सारे का सारा इस रूप के उस सारे तो बाद एहसास होया कि नहीं नहीं एक्चुअली सानू ना इस सारे तो बाहर निकलना पएगा। उस तो एकदम बाद फिर जिहड़ी साढ़े प्रति अप्रोच है ब्रिटिश रूलरस की सारी टोटल चेंज हो जाती है। सो इस सारे रूप में देखते हैं अदरवाइज जिहड़ा कारीगराना रंग रंग सीगा उहदा भी बहुत इन्हां ने नुकसान किया आ कड़ियां पाइया सब खत्म कर दित्तियां वैसटर्न सारा कुछ लाइफ स्टाइल यही चीज़ा लैके आदियाँ ईवन जिहड़ी साडी ट्रडिशनल टेलरिंग सीगी मतलब कपड़े सारे वैसटर्न वर्ल्ड वाले पाए सारी दुनिया पा रही अपने जिहड़े ट्रडिशनल कोई भी क्लोदिंग ईवन साढ़े वह भी रहनी रहत का हिस्सा रहा जिहड़ा कच्छ कड़ा कृपान कंगा सी जिन्हों कहने सी उहदे करके उहदा उहदी शेप तो सब चीज़ा या कुछ दस्तारा वगैरह जिहड़ियां असीं बन्ने आ इस उस अदरवाइज तो वो चीज़ा ऑलमोस्ट एलीमीनेट हो गई। खैर टूक मात्र बिनती कर लगा सी कलॉक्स दे विच असी देखते हैं समय की सब तो छोटी जिहड़ी इकाई सैकेंड आ जो तुसी ट्रडिशनल पाइया देखते हैं बनाते हैं या जिहड़े उस वक्त घड़े घड़ियाल बनाए जाते सीगे उन्हां च समय की सब तो छोटी इकाई उन्हों बनाउण लग्या जिहड़ी मनी जाती सीगी हुंदा सी फुनहा अख दा फोर जिहनूं कहा जाता फुनहा की बाणी भी है फुनहे का मतलब यह हुंदा वार वार जिहड़ी चीज़ रिपीट होई जा रही फुनहा फुनहा इस रूप दे विच सब तो छोटी इकाई है। जदों इहनूं असीं न्यूमरल नंबरस विच पाउने आ अख दे 15 फोर जदों पूरे हुंदे ने एक विसवा बणदा इत्थों समय की मपाई शुरू हुंदी है अख दे 15 फोरां दा एक विसवा। किस दिन होर अगे सारे की बात करांगे नवें वरे ते करांगे कैलेंडर दे समय दे विच पर आ जिहड़ी अज बात हो रही है 20 विसवे ये विसवे नहीं ये विसवे इस तरह जाणीए कि पुराने समय गिणती 20 तक ही आउंदी हुंदी सी 20 तो वध किसे किसे नूं गिणती आउंदी सी मोस्टली जदों लोकां ने 100 भी गिणना हुंदा सी ते कोड़ी नूं 20 नूं 5 वारी गिणिया जांदा सी। असी मुहावरे पढ़ते हाँ भाई की करिए तगड़े का तो 27वीं ही 100 हुंदा वैसे वैसे 25वीं ही 100 हुंदा 5 वारी 20 गिण लिया तो 100 हो गया 20 तक ही गिणती हुंदी सी इस तो वध नहीं 20 का मतलब नंबर पूरा हो गया कंप्लीट इस रूप के
ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, 20 ਬਿਸੂਏ ਕੰਪਲੀਟ 100% ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਲਸੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਹਾਉ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖਰਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ ਸਮਝ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੂਹ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਹ ਰੂਪਤਾ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਤਸਵੁਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਬਿਸਵੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੇ ਗੁਰ ਅਵਰ ਕਰੇ ਹਮ ਅਵਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਸ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਜੁਮਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਭਲਿਆ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਪੇਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਡ ਹੈ ਕਾਗ, ਅਜੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੋੜਿਆ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਆਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਾਗਾ ਕਰਨ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਨਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਉਮੀਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਆਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਲਾ ਤੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੰਝ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਹਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਵੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। 100% ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਅਹਿਸਾਸੋ ਅਤੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ। 20 ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗੱਤ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਤ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੱਬ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਵਹਿਮ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਲੀਵ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨਾਂ ਸੀ, ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਥੂਜ਼ਾਸਟਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਦੇੜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਰਕਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਫਸਲ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੀਜੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ 2-2 ਫੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਬਸ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 20-20 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਰਪਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੱਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਡਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵਾਜ਼ ਅਵੇ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੀਸ ਪੀਪਲ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੋਤਲ ਦਾ ਜਿੰਨ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਡਰਾਈ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਬੋਤਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਡ ਔਫ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ 300 ਮੋਹਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨ ਬਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੇਮ ਓਵਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਤ ਆਈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਕੀਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਲਵਲਾ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਜਾਕ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਵੱਡਾ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ।
हुण इह बहुत चलाक दिमाग विचों आया सवाल है, सानूं लगदा छोटा है, धर्म नूं कोई एवैल्यूएट नहीं कर सकदा। इसे करके गुरु नानक महाराज का बचन देखो ना, जदों हाजियां कोल सी बाबा जी तो उत्थे वड्डे वड्डे जिहड़े आलम फाजल सीगे उन्हां कहा लै बाबा नानक कहिंदे उन्हूं देखिया नहीं जा सकता, तो बायस नहीं पढ़िया जा सकता, हुणे पढ़ा दिंदे आ, हुणे देखी बाबा नानक किवें बोलदा। वह कहिंदे अच्छा गल इह है वी तुसीं साडे नाल होर कोई गल नहीं करनी, तुहाडे कोल पोथी है, अपनी पोथी साडे सामने खोलो, तो इस पोथी दे विच सानू ये दसो कि तुसीं हिंदू नूं वड्डा मनदे हो कि मुसलमान। सिंपल हुणे बायस पता लग जाएगा तुहाडा। भाई गुरदास जी की रचना असीं पढ़ते हैं, पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। बाबा कहिंदे ठीक है आ हुणे फोल लैंदे आ, हुणे फोल के आप पढ़ो मेरे नाल बैठो आके, हुणे पता लग जाएगा। बाबा आख है हाजियां शुभ अमलां बाजो, इत्थे अमल दरियाफ्त ने। बंदे दी भावें किसे तरह की प्रैक्टिस आ, वह दुआ एवें हाथ जोड़ के करता, वह हाथ खोल के एवें करता, वह दुआ कर लगे हाथ एवें कर लेंदा या हाथ एवें कर लेंदा, इहदे नाल की फर्क पएगा। असी कई बार इसे चीज़ च ही पए भी आ चीज़ जदों परमेश्वर की गत पता लगेगी फिर एहसास होएगा वह परिपूर्ण जिहड़ा आ वह साडे अमल अमाल विच आ के वसेगा। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब की बात कर रहा, बहादुर शाह कहिंदा अच्छा धर्म तुहाडा वड्डा है कि मेरा वड्डा है ये दसो। अच्छा जे तो गुरु महाराज इस तरह कहिंदे, सियासी सवाल है ना कि देख औरंगजेब देख बहादुर शाह धर्म जिहड़ा आ मेरा वड्डा है तेरा छोटा है, तो बहादुर शाह ने पता की कहना सीगा, गुरु पातशाह मैं सॉरी हाँ पर यह भी यही गल मेरा पिता कह रहा सीगा, तुहाडे ते मेरे पिता च फिर फर्क ही रह गया, यही गल वो कह रहा सीगा मेरा धर्म वड्डा मेरा धर्म वड्डा। तो जे महाराज कहिंदे भी बहादुर शाह नहीं नहीं तेरा धर्म बहुत आला बड़ा वधिया, तो फिर पोली जी जबान नाल कह देंगे भी महाराज एड्डी वधिया चीज़ है तो फिर आ जाओ लंघ आओ, फिर अपना देर क्यों लाउणी है। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे बहादुर शाह जिस नुकता निगाह तो तू गल पुछ रहा ना उस नुकता निगाह तो तेनों जवाब देना। सच्चाई ये है धर्म नूं लफजा अलफाजा ते गल्लां दी उस तकड़ी ते धर के नहीं तोलिया जाता। हाँ जे तू इबादत ते ढंग की गल करदा आ ते फिर मैं तेनों दस दिना वा तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब, लाइन क्लीयर आ। उत्थे मेरा धर्म छोटा हो जाएगा जदों मैं अपने इस इबादत की एक्सरसाइज करता होया तेरी इबादत के ढंग नूं स्वीकारांगा नहीं, तो जे तू अपनी इबादत की एक्सरसाइज करता होया मेरे इबादत के ढंग तो नफरत करेगा, समझ ली उदन तेरा मजहब छोटा हो जाएगा। इतों फिर बात आती है जदों परमेश्वर की गत की गल करांगे ना, परमेश्वर वाहिगुरु रब जी बाबा जी ने पूछी, अच्छा दशमेश पातशाह जी ने पूछते हैं बापू जी कुछ परमेश्वर बारे दस दौ, अभी भी तो परमेश्वर बारे कुछ जानना ही चाहते हैं। जाप साहब ही पढ़ो कला देखो 199 बंधा च किवें परोया सारा कुछ, शुरुआत इतों की ना ही जोड़ा ना जाप, कई बार अभी जाप की ट्रांसलेशन करते हैं अजपा जाप होंगी है ट्रांसलेशन, पर ब्रिज भाषा का जो शब्द है उदों जदों इस जाप को पढ़ते हैं इस जाप का मतलब वो नहीं आता अप्रभंशिया ब्रिज भाषा के ट्रांसलेशन होंगी प्राकृत जाके, क्योंकि प्राकृत का रूट शब्द आ रहा यह जाप असी अज भी यूज़ करते हैं वर्ड आम लैंग्एज जिमें सपोज कोई सज्जन तुरया आता दूरों तो तुम लगता भी मैं लगता भी फलां साडा रिश्तेदार आ ते नाल वाला बंदा देख के कहिंदा कहिंदा जापदा तो है आभास होना एक्सपीरियंस होना किसी चीज़ बारे अंदर एकदम उहदा जिहड़ा हैगा नुहार बननी। बाबा जी कहिंदे जदों करतार की नुहार बनी है ना जदों जापिया जदों एक्सपीरियंस किया जदों का एकदम एहसास अंदर उजागर होया वो एवें उजागर होया किवें चक्र चिन्ह अर वरण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत अचुल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कही जाए। आ परमेश्वर की गाते रब नू किस किस स्ट्रक्चर च फिट करोगे, बाबा जी कहिंदे उहदा कोई चक्र चिन्ह नहीं है कोई स्पेसीफिक आइडेंटिटी कोई कहे आ आइडेंटिटी रब की होएगी, बाबा जी कहिंदे कौन बयान करेगा जी। इत्थे जिक्र आ रहा है जदों तुसीं 20 बिसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ हृदय हर नाओ। चीज़ां जो साढ़े अंदर ने असी वो
अपने अंदरों दूजे नूं पास ऑन करते हैं। इस तरह ही हुंदा आ। ईवन जे होर ध्यान नाल देखोगे ना, रूहानी पद्धर ते साडे कोल ना स्पिरिचुअल परसनैलिटीज़ की लैकिंग हो गई बड़ी जबरदस्त, उस करके फिर सब चीज़ां गड़बड़ा गई। छोटी जी एग्जाम्पल कर देना, साडे प्रोफेसर साहब बात दस दे अपने एक्सपीरियंस की गल कह देना। एक बार होया कि बस से ट्रैवल कर दे तो जिहड़ी दो वाली रोह नहीं हुंदी अपने इंडिया के बसों च, उहदे च पहली सीट तो छड़ के दूजी सीट पर बैठे हैं, तो सामने वाली सीट पर एक कपल बैठा, तो उन्होंने कोल बच्चा आया छोटा, दोनों हिंदी च गल करते हैं एक दूजे ने। डेफिनेटली लगता कोई सनातनी उस धारा चो आए लोग ने। तो खैर माँ थले चली गई है, बाप बेटे नूं लैके बैठा, वह रोन लग गया, रोन भी बड़ी बुरी तरह लग गया, सारी बस देखन लग गई है। तो वह रोई जाता, तो उन्होंने कह रहा, अरे बेटा रोते नहीं रहे, अरे बेटा चुप कर जाओ, अरे ऐसे नहीं रोते। प्रोफेसर साहब कहते कहते देखिए हूँ पता कि कमाल होनी है, यदि माँ ने आना है उन्हें कुछ नहीं करना तो इन्हें हसन लग जाना। मैं आई डाउट इट। प्रोफेसर साहब एवं लगता नहीं गा, मैं लगता है कि ये ज़्यादा रोएगा जिन्ना रो रहा है। लेट सी माँ आ गई, वो हाथ गिले से, कहता चक मैनु, उन्हें नहीं चक्या, उन्हें वो दोनों हाथ फड़े थले कर दिया घुमा के, वो फिर रोई जाता। ता ही तो माँ ने किया अखा बंद की, वो ढिड के कोल ना नक् अपना करके दो गोरी गु 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 जहा किया, हसन लग गया। आई वॉज अमेज्ड। मैं प्रोफेसर साहब तुम मजूमी हो, हाउ डू यू नो? कहते पुत गल ये है, जी खुशी है ना बच्चे च नहीं है, माँ च है, माँ ने इनफ्यूल की। ये इस तरह जाणो, चीज़ां सिखाण नाल पढ़ाण नाल दसण नाल कलियां एवें नहीं आउंदियां, दिल नूं दिल दी राह हुंदी है। जिहड़ा गुर दा तसव्वुर है ना, सो सतगुर जिस हिरदै हर नाउ, यह बचन किसी दे हिरदे चों आए ने। जे तू सोचदा है कि तेरे हिरदे च आमा जाण, जिस लैवल दा आ हिरदा सीगा उस लैवल ते तैनूं आउणा पैणा। थिंक अबाउट इट, इत्थे कनैक्शन है। मैनू मोस्टली लगता बाबा जी कि सह सियाणपां दी गल करके चलाकी कलैवर माइंड मैनू चलाउंदा। बाबा जी बयान करदे, अनक बार गुरु को बल जाऊं, वार वार मैं गुरु तो बलिहार जावां, सर्व निधान जी का दाता। वह जी का दाता है, जी आत्मक तौर पर सरबुलंद होना। बंदा जदों स्पिरिट के लैवल से बड़ा हाई है ना, उन्होंने फिजिकल प्रॉब्लम जिनी मर्जी दे दो बाहर आ जाएगा, वो मैंटली हर चैलेंज में जोड़ा सर कर लेगा। जे स्पिरिट के लैवल से लो आ गया ना, उन्होंने छोटा जा फिजिकल चैलेंज भी मार देगा। माड़ा जा कि लत हाथ पैर भी दुखन लग गया ना, इन्हें लैके बह जाएगा मंजे ते, भी अपने तो नहीं कम होना पे। स्पिरिट के लैवल से बंदा बिल्कुल नौबर नौ आ, जिडा मर्जी वड्डा चैलेंज आ जाए वो पार पा लेगा। उसने साहब कहिंदे सर्ब निधान जी का दाता, आठ पैर पार बन रंग राता, ब्रह्म जन जन्म ये दूर कोई नहीं चीज। किसी ये नहीं कि बहुत बाहरों किसी ने आना, ये डिवाइन जिहड़ा आ बाबा जी कहिंदे उस जन दे विच ही जिहड़ा उपदेश दे बहुत तसव्वुर दे नेड़े आ रहा, उहदी बात कीती है। क्या एक है आप नहीं कछ परम, वो आप ही आप है, कोई भरम है ही नहीं, जो तो भुलेखा ही कोई नहीं। पर हाँ सहस सियाणप लिया ना जाइए। मैं सारी उम्र सियाणपां कमाउण की कोशिश करदा, मैनू सियाणपां अपील करदियां ने, मैनू गुरु का आ हिरदे वाला तसव्वुर नहीं अपील करता, इत्थे मुश्किल बनती है। बाबा जी कहिंदे चलाकी नाल नहीं, असी शब्द पढ़ते हाँ, बाबा जी कहिंदे कि रे जन चतुराई ना चतुर्भुज पाई है, फिर करना की है मन माधो सों लाई है। इत्थे मन दी खेड आ। बचन आया सहस सियाणप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाई है। किते बड़ पागता होए तां जाके ये गुर दिसे, ये गुर साडी सुरत च अमाए तां बात बने। साहब रहमत करन इन्हां आलमी वाकां दी प्रीति साडी सुरत पकड़ लवे, ये दिली दुआ है। इन्हीं बिनतियां नाल खिमा चाहांगा, भुलां गलतियां ना चतारनियां, आवाज़ दे के कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।